पता है बेटा, जाओ तुम रही हो, घबराहट मुझे हो रही है। पता नहीं तुम्हारे बगैर मेरा दिल कैसे लगेगा। अरे मामा बिल्कुल परेशान नहीं हो आप। अच्छा ये बताओ बेटा मानूर, आपने सारी चीजें रख ली ना, ऐसा ना हो कि कोई चीज रह जाए, और अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं कर दूंगी। मामा आप एक बार नहीं, दो तीन बार मुझसे सामान चेक करवा चुकी हैं। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैंने अपना सारा सामान रख लिया। और एक आध चीज अगर जरूरत की रह भी जाती है तो कोई मसले की बात थोड़ी है, वहाँ पे सब कुछ मिलता है। हम कोई जंगल में थोड़ी जा रहे हैं मामा, परेशान नहीं हो, जो चाहिए होगा हम ले लेंगे वहाँ से। बस पता नहीं। अच्छा खाना मैंने पैक कर दिया है, जब एयरपोर्ट पे उतरोगे तो ये खाना खाओगे, बाहर से मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है, पेट खराब हो जाएगा, समझी? अरे मामा आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं और ऐसे कोई छोटे बच्चे हैं। परेशान नहीं हो, हम लोग खा लेंगे। तुम इतने अरसे के बाद से दूर जा रही हो, और इसे घबराहट भी है मुझे और खुशी भी है, बस खुश रहो तुम हमेशा। हाँ भाई तैयारी होगी, अगर कुछ काम है मुझे बता सकती हो। बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको भाई, रहने दें, मैंने सारी पैकिंग कर ली अपनी। थैंक यू। वैसे भाई एक बात नोट कर रही हूँ मैं, आप और मामा तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ और पहली बार जा रही हूँ स्कूल वालों के साथ कोई टूर पे। तुम चाहे इतनी बड़ी क्यों ना हो जाओ, लेकिन हमारे लिए इतनी छोटी सी बच्ची हो, समझ आई? और हमेशा छोटी रहोगी, वो ही दो पोनी वाली लड़की जिसकी नाक बैठी थी। मामा ये क्या, अब भाई के साथ मिलके मेरा मजाक उड़ा रही है? अब देखें भाई जाते जाते मुझे तंग कर रहे हैं। तंग करने दो ना, अभी चली जाओगी तो फिर किसको तंग करूंगा।